Hello students, now in previous video I explain you how to read this lesson. Now today I explain you it. A retired soldier wanted to settle down in a small town. एक retired soldier है वो छोटे से गांव में settle होना चाहते हैं. There was only one house for sale. वहां पर सिर्फ एक ही घर था जो बचा हुआ था, जो बिका हुआ नहीं था. It was told that a ghost lived in the basement of that house. तो ऐसा कहा जाता था कि एक ghost means जो एक भूत है वो उस घर के basement में नीचे वाले तहखाने पे रहता है. It loved to scare person who came to live in. तो उसे वहाँ पर उस घर में जो लोग रहने जाते हैं उन्हें डराना उसे अच्छा लगता है. As a result, most people were unwillingly to buy that house. तो इसीलिए उसका परिणाम क्या है कि वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उस घर को खरीदना नहीं चाहते. However, the soldier bought it at a low price. तो soldier ने उस घर को एक कम कीमत पे खरीद लिया. His family came to live there. उसका परिवार वहाँ रहने के लिए आ गया. It had four members. तो उसके परिवार में चार members हैं. His wife, son, daughter and the soldier himself. Soldier, उसकी बीवी, उसका लड़का, उसका बेटा और उसकी बेटी. Now one day the ghost became restless in the basement. अब एक दिन जो गोस्ट था वो परेशान हो रहा था बेसमेंट में. सो इट वॉज इन द हैबिट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्लेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन एंड लोनली वुमेन. क्योंकि उसकी हैबिट थी कि वो बाहर निकलकर बच्चों को और जो अकेली औरतें रहती थी उनको डराने में उसे मजा आता था. द पीपल इन द टाउन सेड सो. ऐसा उस गांव के लोग कहा करते थे. नाउ इन द आफ्टरनून द सोल्जर वॉज मेंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस. तो दोपहर के समय जो सोल्जर था वो अपने घर के बाहर की जो फेंस थी वो सुधार रहा था. द गोस्ट केम आउट ऑफ द बेसमेंट. अब जो गोस्ट था वो बेसमेंट से आया. एंड सडनली अपेयर्ड बिफोर द सोल्जर मेकिंग हॉरिबल फेसेस. और सोल्जर के सामने आके अजीब अजीब से चेहरे बनाने लगा. द गोस्ट शाउटेड ओ फूलिश मैन. गोस्ट ने उसको चिल्लाया कि ओ मूर्ख आदमी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं गए. और जोर जोर से हंसने लगा. द सोल्जर रिमेंड फर्म एंड बोल्ड कीपिंग काम ही सेड. सोल्जर एकदम शांत था और अपना काम कर रहा था. उसने बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी. तो गोस्ट बोलता है अपने तीखे दांत दिखाकर कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा. द गोस्ट ओपन्ड इट्स माउथ वाइड. गोस्ट ने अपना मुंह खोला तो उससे इतनी बुरी बदबू आई कि सोल्जर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया. द सोल्जर हैमर्ड हिम ऑन द हेड. सोल्जर ने अपने हाथ में ली हुई हथौड़ी को उसके सिर पर मार दिया. द गोस्ट फेल्ट वेरी डिजी एंड रीचिंग बेसमेंट वॉजंट सो ईजी. तो गोस्ट जो था वो बहुत ज्यादा, उसका सिर जो था वो घूमने लगा तो वो बेसमेंट पर पहुंचना उसे सरल नहीं लगा. अब गोस्ट ने सोचा, द गोस्ट थॉट द सोल्जर वॉज टू हार्ड टू स्केयर. कि सोल्जर को डराना तो बहुत मुश्किल काम है. हिज वाइफ वुड बी एन ईजी प्रे. तो उसकी वाइफ एक आसान जो चारा है वो करते हैं. ही वेंट टू द किचन वेयर शी वॉज ग्राइंडिंग चिलीज. तो वो किचन में गया जहाँ पर उसकी वाइफ जो थी सोल्जर की वो मिर्ची पीस रही थी. द गोस्ट सडनली अपेयर्ड बिफोर हर एंड शाउटेड. अचानक से उसके सामने आया और चिल्लाता है कि ओ फूलिश वुमेन, ओ मूर्ख औरत, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए. और हंसने लगा. द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द गोस्ट टू गो अवे. सोल्जर की बीवी ने गोस्ट से कहा कि यहाँ से चले जाओ. इट वॉज टाइम टू वर्क. ये काम करने का समय है, खेलने का नहीं है. बट द गोस्ट डिसाइडेड टू स्टे. लेकिन जो भूत था वो वहीं पर खड़ा रहा. द सोल्जर्स वाइफ टुक अ पिंच ऑफ चिली एंड थ्रू इट इन द गोस्ट आइज वेरी क्विकली. अब सोल्जर की वाइफ ने चुटकी भर मिर्च निकली और उस गोस्ट की आंखों में डाल दी. द गोस्ट डांस्ड इन पेन. तो दर्द में जो गोस्ट था, भूत था, वो नाचने लगा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, राउंड राउंड, और चीख रहा था. नाउ द गोस्ट थॉट द बॉय वुड बी ईजी टू फ्राइटन. अब गोस्ट ने सोचा कि जो बॉय है, छोटा लड़का है, उसको डराया जाए. सो ही टिप टोड टू द बॉय हु वॉज वाटरिंग प्लांट्स. तो वो धीरे धीरे आता है जहाँ पर वो लड़का जो है सोल्जर का बेटा, वो पानी दे रहा है पौधों को. द गोस्ट मेड हॉरिबल फेसेज एंड शाउटेड. तो गोस्ट जो है वो अजीब से चेहरे बनाने लगा और चिल्लाता है कि ओ फूलिश बॉय, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं गए. और जोर से हंसने लगता है. द बॉय शाउटेड बैक. अब जो बच्चा है, लड़का है सोल्जर का, वो उससे भी तेज चिल्लाता है, बोलता है कि
ओ अजनबी, तुम खुद केयरफुल हो जाओ, मैं बहुत बेकार हूँ, डेंजर में पड़ जाओगे। गोस्ट शाउटेड अगेन एंड द बॉय पोक्ड द होज इन इट्स अगली नोज। तो गोस्ट ने फिर से चिल्लाया, तो बॉय ने क्या किया, जो उसने पाइप ली हुई थी होज पाइप, उसने उसकी नोज पे डाल दी। द गोस्ट नीज्ड एंड गर्गल्ड एंड थ्राइस ही टम्बल्ड। तो गोस्ट को छींक आने लगी, एकदम उस पानी जो था उसके मुंह में चला गया, गार्गलिंग करने लगा वो। ही रैन टू द बेसमेंट, देयर ही शिवर्ड एंड कॉट कोल्ड। तो वो भागते हुए बेसमेंट में गया जहाँ पर उसे कपकपी छूट रही थी। शिवरिंग करना मीन्स कपकपाना, एंड कॉट कोल्ड, उसको सर्दी लग गई थी। नाउ द बॉय वॉज टू नॉटी ही थॉट। अब जो उसने सोचा कि ये बच्चा तो बहुत शरारती है। द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्राइटन एट लास्ट। अब लड़की बचती है उसको डराया जाए। ही वेंट टू द रीडिंग रूम वेयर द गर्ल वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। तो वो रीडिंग रूम में गया गया जहाँ पर वो लड़की ड्राइंग कर रही थी। शी वॉज बिजी ऑन अ पेपर, वो पेपर पर बिजी थी। द गोस्ट सडनली अपेयर्ड बिफोर हर एंड रोड। तो अचानक से वो उसके सामने आया और रोर किया, चिल्लाया, ओ फूलिश गर्ल, आई शेल ईट यू अप इफ यू डोंट क्विट एट वंस। कि ओ मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम इस जगह को छोड़कर नहीं गए। और जोर से हंसता है। द गर्ल लुक्ड अप एंड सेड एंगरली। लड़की ऊपर देखती और बहुत गुस्से में बोलती है, स्पॉइल्ड माई पिक्चर, मेरी पिक्चर खराब कर दी, यू रॉटन क्रिएचर, तुम सड़े हुए जीव। शी पोक्ड हर शार्प पेंसिल इन इट्स आई। उसने अपनी पेंसिल को उसकी आंख में घुसा दिया। द गोस्ट लेट आउट इन अ क्राई। अब जो गोस्ट था उस बहुत जोर से चीखने लगा। द गोस्ट वॉज सो फ्राइटेंड दैट इट कुड नॉट फ्ली। तो गोस्ट ने इतना डर गया, बोला अब इन्हें यहाँ से भगाना बहुत मुश्किल है। ही वॉज कॉट बाय द फैमिली, क्योंकि उस फैमिली ने उसे पकड़ लिया था। दे फाउंड नो गोस्ट देयर। उन्होंने क्या पाया कि वहाँ पर कोई भी भूत नहीं था। इट वॉज अ ग्रीडी स्लाई नेबर। वो एक लालची पड़ोसी था हु हैड प्लॉटेड टू फ्राइटन द बायर्स एंड एनक्रोच द प्रॉपर्टी। जो उस प्लॉट को किसी भी बायर को खरीदने नहीं देता था डरा डरा के, और उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गोस्ट एंड अ फैमिली। सो यू हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।